नहीं देता तो हमें प्रसाद समझिए खा जाता। कहीं भी बस हाँ कहीं भी जल चढ़ा देते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं सावन का पहला सोमवार है ना, तो सोचो हम कहाँ जा सकते हैं। भोले बाबा के दर्शन के अलावा हम पे कुछ चॉइस रहती है, हमने सोचा कि चलो आज चलते हैं अलीगढ़ जो फेमस जो सच्ची जो बड़ा फेमस मंदिर है ना, वहाँ पे जा रहे हैं हम, हिरेश्वर मंदिर। तो जा रहा हूँ मैं, किसके साथ जा सकता हूँ गेस्ट? ये जो खड़ा है व्यू का नजारा लेते हुए, देखिए कितना शांत खड़ा है ना। इतना शांत है नहीं ये बंदा, ये दिखाता है जितना। फाइनली आ चुके हैं महादेव के मंदिर। अब हमको आपको दिखाएंगे कितनी मतलब लिटरली कितनी भीड़ रहती है। देखिए ये सारे लोग मतलब एक जो मेला टाइप में होता है वैसे लगाया जाता है यहाँ पे। और हमने अपनी देखिए चप्पल वप्पल उतार दी हैं, अब यहाँ से चलते हैं। देखते हैं यहाँ से, मतलब ये देखिए यहाँ से ये लेडीज उधर हैं और जेंट्स इधर हैं, तो जिससे जिससे कि कोई मतलब विभाव क्या हो? मेरा मुंह बंद कर गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? अभद्र विभाव ना हो किसी के साथ। ये देखो काली माँ, कार्यकर्ता ध्यान दें, भीड़ में इकट्ठा होने दें। कार्यकर्ता या कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है।
भाई तेरा नाम मन आने लो कहीं भी बस हाँ कहीं भी जल चढ़ा देते हैं। जैसे कि आपने देख लिया पंडित जी बोल रहे हैं कहीं भी मतलब श्रद्धा भी इतने पागल हो जाते हैं कहीं भी मिल जाए वहीं जल चढ़ा देते हैं। ऐसा ना कीजिए प्लीज, आपको ही दिक्कत होती है बाद में। तो अब हम आपको दिखाते हैं एक अनोखी चीज जिससे आप अचंभव हो जाएंगे। कुछ भी यहाँ से हम वहाँ गए थे, इतनी लंबी लाइन, मतलब समझ रहे हैं कितनी लंबी। बस हवा निकल गई। जल ऐसे चढ़ा दिया था। ये है यहाँ के और इसकी एक स्टोरी है। मंदिर परिसर में कहीं किसी तेजताई और राहुल मिले, तेजताई और राहुल। सभी भक्तगण से विनम्र निवेदन है कि अपने जूते चप्पल लग रहे मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब। यहाँ पे शिव जी नहाते थे, मैं नहीं मानता, स्नान करते थे और मतलब ये कैसा लगा मेरा मजाक। एक सिद्ध पीठ है, ये है भैरव बाबा का मंदिर और ये है संतोषी माँ का मंदिर और ये है लक्ष्मी नारायण का मंदिर। वो तो हो ही नहीं सकता, सावन के महीने में तो मैंने और मैं परदेसी चला आया। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, तो ये है दूसरी साइड भीड़, मतलब दो द्वार है ना, दोनों द्वार की भीड़ है ये। और यहाँ की ये मान्यता है कि नंदी जी के जो भी कान में कहेंगे वो शिव जी तक पहुँचा देंगे, तो हम भी बोलेंगे। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। और ये है भोले बाबा सबसे पुराने, एक ये है, एक इस जगह है, ये है इनकी, इनकी अलग अलग मान्यता है सारे। ये सारा मंदिर है इतना बड़ा, ये अलग है, ये इधर है और इसका तो चेहरा देखिए, मतलब कितना, मतलब इतना थक चुका है। कैसा लग रहा है तुझे? मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन तो अच्छा थोड़ा देखिए इसे शर्मा रहा है। सो गाइस फाइनली हमारे दर्शन हो चुके हैं और अब हम घर के लिए निकलेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और डोंट फॉरगेट टू माई चैनल को सब्सक्राइब करना। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। बोल रहे हैं अबे भाई चैनल को सब्सक्राइब करवा दे, सब्सक्राइब करें सब लोग ज्यादा से ज्यादा। और ऐसे ही मैं पड़ जाता हूँ जब ज्यादा थक जाऊँ ना, तो देखिए ये बंदर जैसे पड़ा है ना, ऐसे ही मैं हो जाता हूँ। मतलब सो रहा है ये वही बंदर है जो रात में चौकीदारी करता है ना भाई। इसे प्रसाद देना पड़ गया सारा का सारा, अगर नहीं देता तो ये हमें प्रसाद समझ के खा जाता।